दोस्तों, मेरा नाम उत्सव है और आप देख रहे हैं यूटेक। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जियो फोन के बारे में, या फिर मैं बोलूँ तो जियो फोन एक ट्रैप है। ट्रैप का मतलब जाल है। तो आप सभी लोगों ने जियो फोन के बारे में सब जान लिया होगा, बेसिक स्पेसिफिकेशन भी पता होगी। तब भी 2.4 इंच का एक डिस्प्ले और एक बेसिक फीचर फोन है और 512 MB की रैम है, 4 GB स्टोरेज और इसके अंदर जियो बेस्ड एप्स चलती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होगी, तो इसमें जाल वाली क्या बात है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जियो फोन जो है वो 1500 रुपये के रिफंडेबल मनी पर आ रहा है, मतलब आपको 3 साल के बाद आपको उसका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो पर आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पता है क्या? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि 3 साल तक मिनिमम टाइम पीरियड है, मतलब 3 साल तक आपको इस फीचर फोन को, जियो फोन को यूज करना है। 3 साल में अगर कोई भी फिजिकल डैमेज होता है तो आपके पूरे 1500 रुपये गए, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इसमें मिनिमम 153 रुपीज पर मंथ का रिचार्ज कराना है। अगर आपने कभी भी रिचार्ज कराने में स्किप किया है किसी भी महीने में, तो आपको इसके 1500 रुपये नहीं मिलेंगे। और मिनिमम इस फोन को 3 साल यूज करना, 3 साल के बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं अपने 1500 रुपये। तो ये छोटा सा ट्रैप है, मतलब 1500 रुपये का, ये जो फ्री, इफेक्टिवली फ्री बोल रहे हैं, क्योंकि 3 साल तक, इतने लंबे टाइम पीरियड तक फोन जिंदा रहे ना रहे, कैसा रहे कुछ पता नहीं। लेकिन अगर मैं फोन की कीमत बताऊं तो 1500 रुपये हिसाब से अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है ये फोन, और बेसिकली काफी अच्छा फोन है। तो चलो उस फोन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूं इसमें, कि और क्या कमियां हैं या इसकी क्या खूबियां हैं। तो सबसे पहले अभी डुअल सिम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, जियो की प्रेजेंटेशन थी, AGM था, उसके अंदर भी डुअल सिम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। इस फीचर फोन में, जियो फोन में डुअल सिम है कि नहीं ये भी नहीं पता। और ये बोला गया कि जियो सिम मैंडेटरी, मतलब इस डिवाइस फोन के अंदर केवल जियो की सिम ही लगेगी, अगर हम कोई दूसरी सिम लगाते तो वो नहीं लगेगी। और इस फोन के 4 से 5 मॉडल आने वाले हैं, और जो कुछ मॉडल्स होंगे ऐसे जो जिनके अंदर आपको डुअल सिम का फीचर भी देखने को मिलेगा, और जिसमें से एक सिम जियो की होना कंपलसरी है। ऐसे ही कुछ मॉडल्स के अंदर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर देखने को मिलेगा, कुछ में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब जो रिलायंस की AGM हुई थी उसके अंदर ये कहीं नहीं बताया गया कि इस फोन में वाईफाई है या वाईफाई हॉटस्पॉट है। लेकिन अंदर के सोर्सेस से मैं खबर बता रहा हूँ कि इस फोन के अंदर कुछ मॉडल्स होंगे, और कुछ मॉडल्स होंगे डुअल सिम वाले, कुछ मॉडल्स होंगे वाईफाई हॉटस्पॉट वाले, लेकिन इनिशियली वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर डिसेबल कर रखा होगा। अब वाईफाई हॉटस्पॉट है पहचाने कैसे? क्योंकि जो जियो फोन के सारे मॉडल होंगे दो टाइप के प्रोसेसर पे चलेंगे, एक होगा स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर और एक होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 205 प्रोसेसर, यानी कि स्नैपड्रैगन 205 मोबाइल प्लेटफॉर्म। ये एक नई टाइप का मोबाइल प्रोसेसर है जो कि वाईफाई हॉटस्पॉट को सपोर्ट करता है। तो जिस डिवाइस के अंदर क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा है वो डिवाइस के अंदर हॉटस्पॉट का फीचर है, लेकिन लोग इसे मिसयूज ना करें इसलिए अभी रिलायंस ने इस फीचर को डिसेबल कर रखा, और इस सॉफ्टवेयर अपडेट से फ्यूचर में चालू हो जाएगा। तो जब इसकी 24 अगस्त से बुकिंग होगी या डिलीवरीज चालू होंगी, तब एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं कि कौन सा जियो फोन बुक करने हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ समय रुक जाओ, रिलायंस के कुछ और प्लान्स को क्लियर हो जाने दो कि एग्जैक्टली क्या फोन है, क्या स्पेसिफिकेशन है, लोगों के हाथ में फोन आ जाने दो, फोन लोगों के हाथ में आ जाए, लोग इसका रिव्यू कर दे, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। और लेना ये जो फोन है ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया जो अभी तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाया, और इसकी मैं पूरी तरह से रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इंडिया में तक 50 करोड़ नॉन स्मार्टफोन यूजर है जो बेसिक फोन यूज करते हैं, और उन लोगों को ऑनलाइन लाने के लिए तरीका किया गया। लेकिन इस फोन को ऑनलाइन बेचना उन लोगों को लाने के लिए जो ऑनलाइन नहीं आया, ये थोड़ी सी अजीब बात होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फोन मतलब ऐसे ही बिके, लेकिन ये फोन ऑनलाइन ना जाके ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा बिके, और ये जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो आम आदमी होता है, उसके एक्सेसिबल में हो, मतलब स्टोर में जाए, 1500 रुपये दे, आधार कार्ड दे, और ये चालू फोन चालू जियो की सिम कार्ड के साथ बाहर आए। पर इसके साथ अभी प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम यही कि 153 का रिचार्ज कराना कंपलसरी है, क्योंकि 153 के रिचार्ज में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और रोज का 500 MB डेटा मिलेगा। 500 MB डेटा फीचर फोन के हिसाब से सही है अगर इस फोन के अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर नहीं है तो। अगर इस फोन के अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर है तो शायद ये कम पड़ सकता है। और साथ ही साथ ये फोन डुअल सिम होना जरूरी है। अगर कोई भी आदमी अगर अपना डुअल सिम स्मार्टफोन खरीदेगा, मतलब नॉर्मल फोन भी खरीदेगा, तो उसमें डुअल सिम होना जरूरी है, क्योंकि एक सिम तो जियो की चलाएगा और एक अपना जो प्राइमरी नंबर जो उसने सब लोगों को दे रखा है वो तो चलाएगा ही चलाएगा। और एक गरीब आदमी की मैं बात बताऊँ तो वो कम से कम एक मोबाइल तो अफोर्ड ही कर सकता है, दो मोबाइल अफोर्ड करवाना कई बार लोगों के बस में नहीं होती। तो यही है कि कम से कम दो से ज्यादा मॉडल होंगे इस फोन के, और हर मॉडल के बारे में अभी अच्छे से इन्फॉर्मेशन आ जाए उसके बाद ही आप अच्छे से फैसला करना। अभी रिलायंस मतलब जियो के बारे में हम सब लोगों ने देखा है कि मतलब अभी प्लान्स अभी इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुछ समय बाद अपने आप अच्छे लगने लगते। तो मुझे ऐसा लगता है, या फिर अगर ऐसा हो जाए कि 153 रुपीज में 3 महीने की वैलिडिटी मिल जाए रोज का 500 MB, तो बिल्कुल ये डिवाइस आप ले सकते हो, आप ये बिल्कुल फोन ले सकते हो। लेकिन 3 महीने से कम का ऑफर या 2 महीने से कम का ऑफर मिले तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रैप है, एक चाल है जिसमें जियो अपने जबरदस्ती का यूजर बेस फंसा रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जियो के प्लान्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और 153 में हो सकता है आपको 500 MB डेटा 3 महीने तक मिले, या फिर हो सकता है कि 309 रुपए में भी
1 GB पर डे वाला स्कीम लेकर आ जाए 3 महीने के लिए, तो वो भी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो अभी जल्दीबाजी करके आप लोगों को इस स्मार्टफोन को लेने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और इस जियो फोन के लिए आपको वेट करना चाहिए और लोगों के पास हाथ में आ जाए और पता चल जाए कि एग्जैक्टली कैसा फोन है। अगर कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूँ तो जियो फोन के अंदर आपको बेसिक एक काई OS मिलेगा जो एक फायरफॉक्स बेस्ड ओपन सोर्स OS पर बेस्ड है, और इसके अंदर आपको एक ऐप स्टोर मिलेगा, जियो का खुद का ऐप स्टोर होगा। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे। व्हाट्सएप इस फोन के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है, पर इस ऐप स्टोर में जल्द ही व्हाट्सएप आने वाली है 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर। इसके अंदर यूट्यूब फेसबुक आपको देखने को मिलेगी, प्लस जियो मनी जियो की सारी ऐप देखने को मिलेगी, और हमारे किसान भाई लोगों के लिए जियो किसान ऐप को भी दिया गया है। तो ओवरऑल ये एक जियो फीचर फोन में तो मतलब कई सारे फीचर्स हैं और ये जियो फोन काफी अच्छा फोन है, लेकिन अभी भी यही नहीं पता है कि इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट के बारे में, डुअल सिम के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी सारी क्लियर नहीं है। अगर इस फोन के अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट और डुअल सिम आ जाए और 3 महीने को अगर ऑफर भी अगर आ जाए फ्यूचर में, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी डील होगी। लेकिन अगर डुअल सिम नहीं है, सिंगल सिम और 153 का रिचार्ज कंपलसरी है और वाईफाई हॉटस्पॉट भी नहीं होता, तो मैं कहूंगा कि ये ट्रैप फोन है, यानी कि एक जाल बिछा है जियो ने अपने कस्टमर्स को बांधने के लिए। अगर मैं आपको एक और रूमर लीक के बारे में बताऊं तो ये कहता है कि इस फोन की कीमत 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक हो सकती है। मतलब इस जियो फोन के डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आएंगे जिनकी कीमत 500 रुपये से लेकर 1500 तक हो सकती है, सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट में होंगे। कुछ फोन्स में प्रोसेसर लगा होगा स्नैपड्रैगन का, कुछ में प्रोसेसर लगा होगा स्प्रेडट्रम का, और कुछ ऐसे फोन्स भी होंगे जिनके अंदर आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, कुछ में आपको डुअल सिम होगी, और कुछ में हो सकता है वाईफाई हॉटस्पॉट देखने को मिले, और जो क्वालकॉम वाला है उसके अंदर आपको डेफिनेटली हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा लेकिन वो सॉफ्टवेयर से डिसेबल कर रखा है। ऐसे ही NFC का भी हार्डवेयर इस फोन में है लेकिन वो भी सॉफ्टवेयर से डिसेबल कर रखा है। तो अभी इनिशियली इस फोन के पीछे भागना समझदारी नहीं होगी, अब थोड़े टाइम रुकें, लोगों का ओपिनियन लें, रिव्यूज लें, और मेरे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जियो फोन के बारे में और भी वीडियो लगाता रहूंगा, इंटरेस्टिंगली कोई भी इन्फॉर्मेशन और जो फोन अगर आपको लेना चाहिए उस फोन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि अभी आप रुक जाएं, कुछ समय बाद अपने डिसीजन का फैसला लें, और जब आप वीडियो देखें आप अच्छे से डिसीजन ले पाएं, आप जल्दीबाजी ना करें। तो बस मैं कुछ यही कहना चाहता था कि ये जियो फोन कैसे एक ट्रैप फोन हो सकता है आपके लिए, और अगर आपको इस ट्रैप से बचना है तो आप वेट कीजिए, लोगों के रिव्यू का आने दीजिए, उसके बाद अपने सोच और समझ से डिसीजन लीजिएगा कि आपको कौन सा फोन और कौन सा जियो फोन और या 1500 रुपये खर्च करने भी है कि नहीं करने। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा वीडियो, लगा है तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, नीचे लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करो, क्योंकि जियो फोन और इसके फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होने वाला है और इससे रिलेटेड और भी वीडियो जल्द ही आने वाली है इस चैनल पे। कमेंट करके बताओ और आप क्या देखना चाहते हो। अभी के लिए बस इतना ही, सत्यमेव जयते।